हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर समाजवादी पार्टी द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस पर खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम का आयोजन सेंटर ड्यूज डिग्री कॉलेज क्रिकेट मैदान पर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के शिष्य मोहम्मद इमरान गुरु ने मेजर ध्यानचंद जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद इमरान गुरु ने कहा कि हमारे गुरु मेजर ध्यानचंद कहा करते थे कि कड़ा परिश्रम, पौष्टिक आहार, संयमित जीवन के साथ में कुछ खिलाड़ी जन्म से ही किसी खेल के लिए बने होते हैं। अगर उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए तो शायद पुरुष एवं महिला हॉकी टीम गोल्ड मेडल ला सकती है। इस अवसर पर सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव, सिंहासन सिंह यादव, कृति निधि पांडे, कृष्ण कुमार त्रिपाठी, संतोष यादव, बटेश्वर नाथ तिवारी, चंद्रभान प्रजापति, राजपति यादव सहित अन्य लोग खिलाड़ी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम ने कहा, हम दादा ध्यानचंद के नजदीक पहुंचे और दादा ध्यानचंद के उन्होंने थोड़ा हाथ का मुद्दा पकड़ के मुझे उठाया, उठा के गले से लगा के पीठ ठोका, कहा खुशरा खुशरा सिखाते रहना, देश की हॉकी को मजबूत करना, जब तक तेरे पास ताकत है तू चलता रहे, हॉकी से जुड़ा रहेगा, तेरा सपना साकार हो जाएगा। सरकार ने जो है फर्टिलाइजर कारपोरेशन अलग कैसे जगह दी, दादा की बात याद आ गई, 10 मई 87 को हॉकी आपने प्रशिक्षण शुरू किया, पहले ग्राउंड में आई एक रंजी में पूरा खेल मैदान स्कूल का भर गया, सारी लड़कियां फर्टिलाइजर के अधिकारी और कर्मचारी गढ़ की आ गई, बोला चाचा हमको आप हॉकी सिखाओ, मैं कहूँ इतनी चुनौती मैं लग गया हॉकी सिखाने में। हॉस्टल में स्पोर्ट्स कॉलेज में स्पोर्ट्स हॉस्टल में पढ़ाई कर कारपोरेशन के बच्चे खेलते रहे, बस में 4 बजे बिस्तर छोड़ के और 8 बजे तक मैदान में लगा रहा और 2:30 बजे गर्मी की धूप में तब मैं मैदान के बच्चों को हॉकी सिखाता रहा। वितरण कराने का अगर काम करे तो हमारे देश का खेल इतना हो जाएगा कि दुनिया का कोई भी हमसे जीते। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर जियाउल इस्लाम, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी गोरखपुर। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जयंती पर आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम का आह्वान किया था और सेंट एंड्रयूज कॉलेज के मैदान में खिलाड़ी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि पिछले 5 साल के जो योगी जी की सरकार है उसने लगातार खिलाड़ियों की उपेक्षा किया है, खिलाड़ियों को तमाम साधनों से महरूम रखने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। हमारा अपना मानना कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 साल तक खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया होता तो ओलंपिक के अंदर उत्तर प्रदेश के तमाम खिलाड़ी गोल्ड मेडल तक ला सकते थे, मगर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हमारी आज खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार तक ये संदेश पहुंचाना है कि उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी उपेक्षित अपने को महसूस कर रहा है। अभी क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि खिलाड़ियों का सम्मान हो, उनका प्रोत्साहन हो, उनको सारी सुख सुविधाएं दिया जाए ताकि उत्तर प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं तमाम क्षेत्रों के उनको आगे बढ़ावा मिल सके और भारत का नाम पूरी दुनिया के अंदर वो रोशन कर सके।